अच्छा तुझे स्विमिंग आती है अफशा? मुझे पानी वाली स्विमिंग नहीं आती, अरे बिना पानी की मैं तैर सकती। बिना पानी से तैरना कैसे होता है? हे भगवान, हे भगवान, क्या कर रही है अब तक ये? निकाले स्विमिंग कर रही है। तूने जायद भैया को तो बिना पानी के तैरना सिखा दिया। वो भी लालत। अरे अब तू तो उनसे कुछ सीख। क्या सीखूं? अरे तुझे मालूम है मिस वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। हाँ? क्या मतलब सब लोग राउंड में बैठ के खुशी महसूस करेंगे? अरे भगवान नहीं। तो मिस वर्ल्ड के जजेस कंटेस्टेंट्स को क्वेश्चंस पूछेंगे और उन्हें उनका जवाब देना है। अच्छा तो ये बात है, बिंदास मुझे, बिंदास मुझे सबका जवाब है। बिंदास हाँ। मेरा पहला सवाल ये है कि मान लो तुम मिस वर्ल्ड बन गई। हाँ। उसके बाद क्या करोगी? जो मिस वर्ल्ड करती है वो करूंगी। और वो क्या होता है? जो मिस वर्ल्ड करती है बातें करती है। अच्छा सिर्फ बातें करती है? वो तो अभी भी कर रही हो, फैशन भी कर रही हो, बातें भी कर रही हो, नया क्या किया? तूने अपनी स्पीच में क्या लिखा था? मैं भूल गई, जो पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि अगर तुम्हें जादू की छड़ी मिल गई तो तुम क्या करोगी? जितने भी लोग हैं उनको गायब कर दूंगी। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? और दुनिया में अकेला रह जाओगे? हाँ, आराम से जियो। अब शायद आइडिया दो। अगर जादू की छड़ी मिली ना तो ऐसा कुछ करना जादू की छड़ी चला के कि गोल्ड मेडल लड़की को मिल जाए। तीसरा सवाल, अगर सोचो कि तुम हीरोइन बनने के बाद शाहरुख खान से मिलोगी। हाँ। तो तुम क्या करोगी शाहरुख खान से? शाहरुख खान से शादी कर। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आप बॉयज को मतलब जादू की छड़ी से एकदम गुम कर दोगी, तो शाहरुख खान एक लड़का ही है ना, सिवाय शाहरुख खान के। लेकिन तुम देखो अभी तुम अपनी बात से पलट गई हो। जब यहाँ सैफ अली खान आए थे तुमने कहा था कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। अरे मेरा मतलब दोनों से तो शादी नहीं हो सकती। शादी दोनों से नहीं करूंगी, किसी एक से करूंगी। जो किसी एक से? कौन किस एक से? शाहरुख खान। पक्का? पक्का। पलट नहीं जाना फिर अपनी बात। चलो अफशा मुझे लगता है कि 10 में से आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। आपने काफी काफी अच्छी तरह से आंसर की। ओके okay?